एसएससी सीएचएसएल 12 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम छूट चुका है, स्टूडेंट एग्ज़ाम सेंटर से बाहर आ रहे हैं। अभी जैसे स्टूडेंट बाहर आते हैं उनसे पूछते हैं कि कैसा रहा एग्ज़ाम, डिफ़िकल्टी लेवल कैसा रहा, और सेक्शन वाइज भी एनालिसिस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप एसएससी सीएचएसएल 2020 में टीयर 2 में 70 प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, स्टूडेंट से बात करते हैं कि उनका कैसा रहा एग्ज़ाम, और ओवरऑल जो हमारा फोकस रहेगा वो जीएस के क्वेश्चन पे रहेगा। तो सीजीएल वाले जो एस्पिरेंट हैं वो जरूर देखें इस सेशन को। सर कैसा रहा एग्ज़ाम? बहुत कैसा रहा एग्ज़ाम इनका था, मेरा नहीं। अच्छा कैसा रहा? बहुत अच्छा। मेरे साइड में दिया थोड़ा। कितना अटेम्प्ट किया? वही लगभग 75 से 80 कुछ। इससे पहले आपने प्रिपरेशन किया? पहला अटेम्प्ट है? नहीं, ये पहला एग्ज़ाम था हमारा। पहला एग्ज़ाम जी। तो ओवरऑल किस पोर्शन में आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई? मुझे किसी में दिक्कत नहीं हुई, थोड़ा मतलब जीके मेरे लिए थोड़ा हार्ड पड़ता है। जीएस में करंट कितना पुराना आ रहा है लगभग? पुराना नहीं, सब नया ही आ रहा है, एक दो क्वेश्चन पुराने आ गए 19-20 के। तो क्वेश्चन आपको याद है जो करंट से? नहीं, जीके पे तो नहीं याद है। अच्छा हिस्ट्री से दो क्वेश्चन था, ध्यान है? हाँ हिस्ट्री से दो क्वेश्चन थे, एक था 1857 की क्रांति। अच्छा, और दूसरा क्वेश्चन क्या था? और दूसरा था जलियांवाला बाग हत्याकांड से क्वेश्चन। जी अगर बात करें ज्योग्राफी से तो ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन था? हाँ जी, मैपिंग से एक क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन पूछा गया था? ये ब्राज़ील से, ब्राज़ील में जो कॉफ़ी के मतलब वो होते हैं मैदान, अच्छा, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं जी? अच्छा अगर बात करें इकोनॉमिक्स से, इकोनॉमिक्स से कोई क्वेश्चन था? हाँ इकोनॉमिक्स से एक क्वेश्चन था सर। अच्छा फुल क्या पूछा गया था इकोनॉमिक्स से? ये मतलब इकोनॉमिक फुल फॉर्म से कोई क्वेश्चन पूछा गया था? नहीं, फुल फॉर्म से कोई क्वेश्चन वगैरह आया था? नहीं आया। ओलंपिक से कोई क्वेश्चन था? हाँ ओलंपिक से क्वेश्चन पूछा गया था। क्रिकेट से आया था क्वेश्चन। अच्छा क्रिकेट से, क्या क्रिकेट से क्या पूछा गया था? मुझे अभी ध्यान नहीं है। अच्छा अच्छा, अगर हम बात करें कंप्यूटर से, कंप्यूटर से कोई क्वेश्चन था? हाँ कंप्यूटर से भी क्वेश्चन था। कुछ ध्यान है आपको? कंप्यूटर से ये लैंग्वेज वाला एक क्वेश्चन था। अच्छा अच्छा, अगर हम बात करें साइंस की तो साइंस से कितने क्वेश्चन थे? साइंस से लगभग थे 3 से 4 क्वेश्चन। अच्छा अच्छा, क्या क्वेश्चन पूछा गया था? फिजिक्स से क्या? पीएच मान पूछा गया था कि अम्ली अम्ली कितना होता है। अच्छा अच्छा, अम्ली का पीएच मान कितना? जी 7 से कम होता है वो पीएच। हाँ हाँ, पीएच। और बायो से कोई क्वेश्चन था? हाँ बायो से एक क्वेश्चन था सर। अच्छा अच्छा, तो ओवरऑल आपने कितना अटेम्प्ट किया? मैं 75 से 80। अच्छा किस कैटेगरी से हैं आप? जी मैं जनरल। जिनका सीजीएल का एग्ज़ाम आगे लगा हुआ है उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? कि मतलब आप तैयारी करो, बहुत ज़्यादा हार्ड तो नहीं लगा हमें, कि मतलब अगर आप तैयारी कर रहे हो कंटिन्यू साल डेढ़ साल से तो हो सकता है कि मतलब कुछ हो सकता है। चलिए चलिए, धन्यवाद आपने मेरे लिए। हरा एग्ज़ाम बढ़िया रहा। पहला अटेम्प्ट था आपका? किससे पहले भी नहीं, इससे पहले कई बार दे चुका हूँ। अच्छा अच्छा, कितना अटेम्प्ट किया आपने? कराया 78। किस पोर्शन में आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई? पोर्सन फिलहाल सब नॉर्मली ज़्यादा मतलब वो नहीं है। अच्छा अच्छा, सब सही आ रहा है। जी मैथ में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं? मैथ में भी सही आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, डी आई के आ रहे हैं 2-3 क्वेश्चन। अच्छा डी आई के दो? हाँ 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। एडवांस मतलब ज़्यादा? हाँ नहीं नहीं, लैंग्वेज बेस पे दिए हैं, ज़्यादा लेंथी नहीं है। अच्छा ऐसा तो नहीं है कि उसका जो चार्ट बना हो उसमें रोटेट करना पड़ रहा हो नीचे? नहीं, चार्ट रीजनिंग में चार्ट वाले दिए थे और बाकी नहीं है कोई। अच्छा अच्छा, अगर हम बात करें एडवांस की तो ज्योमेट्री में कितने क्वेश्चन थे? ज्योमेट्री के तीन क्वेश्चन थे। तीन क्वेश्चन जी। अगर अलजेब्रा की बात करें तो अलजेब्रा से भी दो क्वेश्चन थे। अच्छा अच्छा, एक ये था एक्स रोड एक्स प्लस 1/√x रोड एक्स इक्वल टू 2√3 दिया था। अच्छा, तो एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4/1 + 1/x^4 क्वेश्चन पूछे। अच्छा अगर बात करें ट्रिग्नोमेट्री की तो ट्रिग्नोमेट्री से कितने? ट्रिग्नोमेट्री से एक क्वेश्चन? नहीं ट्रिग्नोमेट्री का कोई नहीं। हाइट एंड डिस्टेंस से? ना ना कोई नहीं। अच्छा अगर बात करें रीजनिंग की तो रीजनिंग के कैसे क्वेश्चन? रीजनिंग तो बहुत नॉर्मल आ रही है। सीरीज ज़्यादा आ रही है? हाँ सीरीज मिसिंग नंबर। सीरीज के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं लगभग? 2 से 3 क्वेश्चन। 2 से 3 क्वेश्चन। अच्छा सर बात करें अगर हम पेपर कटिंग की तो पेपर कटिंग से क्वेश्चन था? हाँ एक क्वेश्चन था पेपर कटिंग। एक वाटर इमेज था। कैलेंडर से? कैलेंडर से कोई क्वेश्चन नहीं था। अच्छा जीएस में कोई क्वेश्चन आपको याद है? करंट कितना पुराना पूछा जा रहा है लगभग? करंट 2020 के 2-3 क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन पूछा गया था करंट का? अभी 2020 में एक महिला वर्ग में खिलाड़ी का पुरस्कार कोई दिया गया था, नाम नहीं याद आ रहा क्या। और कोई क्वेश्चन? हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन था? हिस्ट्री से हाँ थे वो, बट इस समय याद नहीं। ज्योग्राफी से सर? हाँ जियोग्राफी का थोड़ा रिकॉल करने का कोशिश करिए, क्या था क्वेश्चन याद नहीं आ रहा। अच्छा कोई फुल फॉर्म से कोई क्वेश्चन पूछा गया? नहीं फुल फॉर्म कोई नहीं। अच्छा साइंस से कोई क्वेश्चन आया था? साइंस से ना, हाँ ये अमली वाला था, मतलब पूछ रहा था अमली पदार्थ का पीएच मान कितना होता है। बायो से कोई क्वेश्चन था?
बायोलॉजी से ना, बायोलॉजी से दो सुने था। अगर बात करें सर इंग्लिश की, इंग्लिश में दो सोनोनियम्स दो एंटोनियम्स आ रहे हैं। सोनोनियम में क्या पूछा गया था? अब इतना याद नहीं है सर, अभी इतने से याद आ जाए। हाँ एक वन वर्ड भी था, अब वो भी इतना याद नहीं है। ठीक, ओवरऑल कैसा रहा आपका? ओवरऑल फिलहाल हाँ कह सकते हैं एवरेज 75 अटेम्प्ट 78। चलिए चलिए, मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। ओके।